आज अंधविश्वास के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये दो नींबू है, हम यहाँ पर से दो टीचरों के सर पे घुमाएंगे और हम भूत पकड़ेंगे किसके ऊपर भूत की साया है। अच्छा, आपको ये लग ही सकता है भाई कि हम लोग नींबू में कुछ छुपाए हो, क्योंकि नींबू हम लोग मंगाए रहे थे आप लोग से, तो आप लोग को विश्वास होता तो ये नींबू मैं पहले से ही काट देता हूँ। ये कटा हुआ नींबू है, देख लीजिए, और एक सर और एक मैडम के सिर के ऊपर से घुमा के लाना। आयोजक मंडल को बुला लो सर, आयोजक मंडल नहीं, वहीं से घुमा के ला रहे हैं। देखते रहो ना। हाँ, और दोनों नींबू अलग अलग हाथ में रखना भाई, ताकि पता चले किस सर का कौन सा नींबू है। पांडे सर का बाल में लगाना नहीं है सर। अरे आया है तो घुमा दिए ना। हाँ, पांडे सर जी बोल रहे, इतना दूर से आया है तो थोड़ा सा उपयोग कर लिया। चलिए ये मंत्र पढ़ के अभी देखिए ये कौन से सर का है। हाँ, ये पांडे सर का है, तो देख लेते हैं। तुम मंत्र पढ़ के इसका नींबू काट दो भाई। आप देख सकते हैं कि इस नींबू में कुछ नहीं हुआ, मतलब पांडे सर के ऊपर कोई भूत नहीं आया। अब हम लोग कानून थोड़ा सा बदल लिए हैं, क्योंकि एक की छाया दूसरे के ऊपर ना पड़े। ये चंद्राकर सर जी का नींबू है। आप देख सकते हैं कि इस नींबू को काटने पर ध्यान से देखो, लाल हो गया, खून निकल रहा है। इसका मतलब है कि चंद्राकर सर के ऊपर वो उसी भूत का है, सिर से निकाले हैं, भूत के माध्यम का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है खून, ये देखो देखा, कोई जादू नहीं। मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला देवरी का। यहाँ पर विज्ञान और अंधविश्वास दोनों के बारे में था, और हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करें और वो अपने घर के हर क्रियाकलाप में विज्ञान को खोजें, जानें और विज्ञान के प्रति जागरूक हों। धन्यवाद।